श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रमुख ट्रस्टी रहे प्रसिद्ध उद्यमी व श्री राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नायक विष्णु हरि डालमिया के विगत दिवस निधन के उपरांत श्री कृष्ण जन्म स्थान के लीला मंच प्रांगण में एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की अनेक सामाजिक संस्थाओं व संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर श्री डालमिया को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री डालमिया के गोलोक गमन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के प्रबंध समिति के सदस्यगण, सभी कर्मचारियों तथा पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण कर उनकी आत्मा की शांति एवं परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना भगवान श्री केशव देव जी के चरणों में की गई। श्रद्धांजलि में विचार व्यक्त करते हुए कृष्ण जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा, प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर चंद्रवान गुप्ता, कोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी, सुरक्षा मुख्य अधिशासी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव, विशेष कार्य अधिकारी विजय बहादुर व अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उनका कृतित्व देखा, लेकिन लगभग 35 वर्ष से सीधा सीधा मार्गदर्शन, बहुत सी घटनाएं लोगों ने बताई, लेकिन इस मंदिर के लिए कुछ भी करना पड़े, इसकी मर्यादा, इसकी व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, बाबूजी यदि डीएम आवास पर भी जाना पड़ रहा है तो उसको लेकर के जा रहे। 20 वर्ष हो गए, ज्यादा हो गए 20 वर्ष से मैं परम सिद्ध बाबूजी के संपर्क में आया, तो मुझे याद है कि जब मैं पूज्य रामई से मिलने गया था तो एक मन में एक कल्पना थी, जब मैं 11th में 10th में था तो बाबूजी विश्व परिषद के अध्यक्ष बने थे और यहाँ पर विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ था, आदरणीय गोपेश्वर जी, जितेंद्र जी भाई साहब, सुषमा जी भाई साहब, चंद्रमान जी, ये सब बहुत पुराने सहयोगी थे डालमिया जी के, बाबू जी के। श्रद्धांजलि सभा के समापन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धेय डालमिया जी की आत्म शांति की कामना की गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धेय गोलोकवासी श्री विष्णु हरि डालमिया जी के अस्थि कलश का भी पूजन किया गया है। परम श्रद्धेय गोलोकवासी श्री विष्णु हरि डालमिया जी, जो हमारे जन्म स्थान सेवा संस्थान की नींव से शिखर तक जो सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, जिसमें निरंतर अपना अमूल योगदान तन और तन मन धन से देते रहे, ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, संत आत्मा, श्रद्धेय बाबूजी को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन भावांजलि देने के लिए आज सभी ब्रजवासी जन हम जन्मस्थान का परिकर और जन्मस्थान के आसपास स्थित सभी व्यवसायी आज जन्मस्थान की पवित्र लीला मंच पर एकत्रित हुए। उन्होंने श्री आदरणीय श्रद्धेय बाबूजी के चित्र को पुष्पार्चन किया और उनके अस्थि कलश का भी उन्होंने पूजन किया। इस अस्थि कलश का विसर्जन कल 11 बजे पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर पूर्ण शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाए।